तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर महल। सो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ एक कस्टमाइज्ड रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, जो कि बहुत ही ज्यादा एक सिक्स बहुत ही बड़ी मशीन है। 650 सीसी की बाइक है और इसको यहाँ पे एक बॉबर का लुक दिया है और इस बाइक को मॉडिफाई किया के स्पीड कस्टम से। और ये बाइक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो गियर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। कोई भी कस्टमाइजेशन में शायद इस तरह का गियर सिस्टम आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है इसमें जो गियर है वो पैर से आपको गियर नहीं लगाना, वो पुराने जमाने में हैंड से वाला जो गियर लगता है जैसे कार वगैरह में, उस स्टाइल से आपको गियर हमें चेंज करना है, जिसका आप लोग वीडियो अभी इसके बाद देख ही लोगे किस तरह से वो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये जो रॉयल एनफील्ड बनाई गई है हॉट रॉड, जो कि बैंकॉक में कॉम्पिटिशन था उसके लिए इस बाइक को बनाया गया है। और आप लोग देखिएगा, बहुत ही अल्टीमेट लुक है, क्योंकि ओवरऑल जो लुक है एक इंटरसेप्टर को इमेजिन करेंगे और ये बॉबर को इमेजिन करेंगे तो आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने मिलेगा, क्योंकि बाइक का मतलब ओवरऑल पूरा बाइक का लुक ही यहाँ पे चेंज हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। के स्पीड कस्टम्स का ये जो वर्क है बहुत ही अल्टीमेट बाइक मॉडिफाई करते हैं और ये बना तो बेस्ट मॉडिफायर है जो कि थाईलैंड में बेस्ड है। सो अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक और आप लोग प्लीज बताइएगा कैसा लगा आपको ये कस्टमाइजेशन वर्क जो कि किया गया रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के ऊपर। दोस्तों, ये है एक कस्टमाइज रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, जिसको यहाँ पे एक बॉबर के लुक में मॉडिफाई किया है और इस मोटरसाइकिल को मॉडिफाई किया है के स्पीड कस्टम्स ने, जो कि बैंकॉक में बेस्ड है। के स्पीड कस्टम का आप लोग कोई भी मोटरसाइकिल देख लीजिए मेरे चैनल पे या कहीं पे भी, उनका जो कस्टमाइजेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उनका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको बाइक देखने मिलेगा। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरसेप्टर 650 है और आपने एक इंटरसेप्टर 650 को पहले भी देखा होगा कितनी ज़्यादा अलग दिखने वाली मोटरसाइकिल, पर ये जो मोटरसाइकिल जो कस्टमाइज वर्जन है उसका भी आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक है वो यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो गया है। ये मोटरसाइकिल को फ्रंट से लेकर रियर तक सारा कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया, जो कि मैं वीडियो में आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन। यहाँ पे आप लोग इसका फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं किस तरह से डिजाइनिंग की गई है, बीचों बीच लगाया गया और यूजुअली आपने अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखा होगा जो कि आपको इंटरसेप्टर वगैरह में देखने मिलता है, पर यहाँ पे इसका जो सस्पेंशन है वो टायर के बीचों बीच लगाया गया, जो कि देख सकते हैं किस तरह से उसकी प्लेसमेंट की गई है और जो कि बाइक को एक बहुत ही रिफ्रेश लुक यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये जो उसका सस्पेंशन सेटअप है ये दोनों रॉड के बीच में लगाया गया और किस तरह से वो काम करता है वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन सेटअप होगा वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से यहाँ पे काम करता होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस मोटरसाइकिल में आपको हेडलाइट देखने नहीं मिलेगा, इसकी छोटी सी एक LED लाइट लगाई गई जो कि साइड में लगाया गया। यूजली आपने जितने भी कस्टमाइजेशन देखे होंगे वो सेंटर में लाइट लगाते, पर इस बाइक में साइड में लाइट को लगाया गया जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इस बाइक का जो ओवरऑल पेंट है वो यहाँ पे ब्लैक शाइनी फिनिश में ही रखा गया, ब्लैक एंड ग्रे का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस बाइक को एक और यूनिक चीज़ है वो है इसका टेल लैंप, आप लोग देख सकते हैं किस तरह साइड में इसका टेल लैंप है और ये यूजुअली बहुत सारे लोग फेंडर पे टेल लगाते हैं या सीट के नीचे लगाते हैं, पर यहाँ का जो टेल लैंप है वो यहाँ पे साइड में लगा हुआ है जो कि एक बाइक को एक बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है, जो स्पेशली अगर आप लोग देखेंगे तो आप बहुत ही यूनिक टेक्स्चर इस बाइक को दे रहा है। इस बाइक का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ था वो है इसका जो पीछे का सस्पेंशन सेटअप, जो कि रीट्विक किया गया, जैसे देख सकते हैं कि किस तरह से अलाइनमेंट किया गया। और इस मोटरसाइकिल का मतलब बेसिकली फ्रंट सस्पेंशन भी चेंज है और पीछे वाला सस्पेंशन भी इस मोटरसाइकिल का लगभग चेंज है। उसके अलावा अगर आप इसका फ्यूल टैंक देखें तो काफ़ी ज़्यादा छोटा एक पीनट सेल का फ्यूल टैंक लगाया गया, जो कि जिसमें पेंट क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक लुक दे रहा है इस मोटरसाइकिल को।
उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके जो इंजन की केसिंग दी गई है, जो कि के स्पीड का एक मतलब इनका एक प्रोडक्ट है। ये लगभग लगभग सारे इनके रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जितने भी आते हैं उसमें आपको इसी तरह की केसिंग देखने मिल जाएगी, और लाइनिंग लाइनिंग से यहाँ पे केसिंग रहती है जो कि इंजन को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है और इंजन को एक और एनहांस मतलब लुक उसका काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है और काफ़ी ज़्यादा बल्कि यहाँ पे लुक आता है। इस मोटरसाइकिल का जो फ्रंट फेंडर्स है और जो रियर फेंडर वो भी यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है। और ये मैं बात करता ये सबसे यूनिक चीज़ था इसका जो हैंड गियर सिस्टम, मतलब आपने यूजुअली जितने भी गियर सिस्टम देखा उसमें सब आप लोग पैर से गियर चेंज करते, पर इस मोटरसाइकिल में जो गियर सिस्टम है वो आपको हाथों से चेंज करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उसकी डिजाइनिंग की गई है, आप वहाँ पे क्लच का वायर भी दिया गया है, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इस बाइक में मुझे लगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी होगी कि इस बाइक का जो कस्टमाइजेशन लेवल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम भी यहाँ पे चेंज किया गया। और ये देखिए इस तरह से आपको गियर चेंज करना है, आपको पहले क्लच दबा के इस तरह चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आप लोग इसका स्टाइल देखिए, इसका क्लासीनेस देखिए, कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है लुक में बाइक को। और आप लोग एक और चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, इसके हैंडल बार में कोई भी वायर वगैरह नहीं, हैंडल बार से बिल्कुल ही प्लेन हैंडल बार है, हैंडल बार में कोई भी स्विचेस नहीं है, कोई भी कुछ भी वहाँ पर नहीं दिया है। सो इस लेवल का भी कस्टमाइजेशन वर्क आपको देखने मिल सकता है, और आप लोग भी चाहते तो इस तरह का कस्टमाइजेशन वर्क अपनी मोटरसाइकिल में कर सकते हैं। और ये था आप सभी के लिए एक ओवरऑल लुक जो कि रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बनाया, काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये भी प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 एज अ बॉबर सेल में। और ये जो बाइक है ये आपकी बैंकॉक के ऑटो शो में गया है, वहाँ पे देखते हैं इसका क्या पोजीशन होता है, क्योंकि मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट मुझे जरूर बताएगा कैसे लगा आपको ये रॉयल एनफील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।